दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग परिवेश में रहने वाले जानवरों की, जिनमें हमने शामिल किया है स्पॉटेड हाइना और स्नो लेपर्ड को। कि अगर स्नो लेपर्ड और स्पॉटेड हाइना के बीच फाइट होती है तो यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हिम तेंदुए बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्रों के सबसे खूंखार शिकारी है, तो वहीं स्पॉटेड हाइना भी अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। लेकिन आखिर हिम तेंदुए और स्पॉटेड हाइना में से कौन ज्यादा पावरफुल है, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों से जुड़ी काफी सारी जानकारियां जानेंगे और अंत में ये भी पता करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो यहाँ पर कौन विजेता होगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। दोस्तों स्नो लेपर्ड, जिसे हिम तेंदुए के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड अक्सर बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और दिखने में ये काफी छोटे आकार के होते हैं, लेकिन खतरनाक बहुत होते हैं, क्योंकि ये चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में भी अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। दोस्तों हिम तेंदुए के पैर कुछ इस तरह डिजाइन होते हैं कि इन्हें बर्फ और चट्टानों में चलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा इनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, जिनके वजह से इनको ठंड बेहद ही कम लगती है। स्नो लेपर्ड पहाड़ी इलाकों में भी काफी तेज गति से दौड़ते हैं, जहां इनकी अधिकतम रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वजन के मामले में हिम तेंदुए 30 से 50 किलोग्राम तक भारी होते हैं और लंबाई के मामले में 1.4 मीटर लंबे होते हैं। हालांकि हिम तेंदुए ज्यादा ऊंचे न होकर बोनी साइज के होते हैं, लेकिन इनकी पूंछ काफी बड़ी होती है। अगर बात की जाए स्नो लेपर्ड के बाइट फोर्स की, तो इनका बाइट फोर्स 300 PSI के आसपास होता है। तो यहाँ पर हमने स्नो लेपर्ड के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे स्पॉटेड हाइना के बारे में। दोस्तों स्पॉटेड हाइना बहुत ही खतरनाक शिकारियों में से एक है, क्योंकि ये हमेशा झुंड के अंदर ही रहते हैं और इनके झुंड के अंदर 3 से लेकर 20 सदस्य हो सकते हैं, या फिर कभी कभार तो इनके झुंड इससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। स्पॉटेड हाइना की सबसे बड़ी ताकत इनकी यूनिटी होती है, क्योंकि ये हमेशा एक साथ मिलकर ही अपने शिकार पर हमला करते हैं, जिस कारण इनकी सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा होती है। और स्पॉटेड हाइना शेरों पर भी भारी पड़ते हैं और कभी कभार तो ये शेर और तेंदुए जैसे खतरनाक शिकारियों की भी जान ले लेते हैं। स्पॉटेड हाइना ऐसा शिकारी जानवर है जो कि दूसरे जानवरों के शिकार को भी चुरा लेते हैं। हालांकि ये शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, जिस कारण ये किसी भी तरह कम खतरनाक नहीं है। दोस्तों इनका जबड़ा भी बेहद ही मजबूत होता है, क्योंकि ये अपने जबड़े की मदद से हड्डियों तक को चबाने में सक्षम होते हैं और इनका बाइट फोर्स 1100 PSI होता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा है। और बात करें इनके वजन की, तो ये 44 से 64 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। वह साथ ही 1.8 मीटर लंबे व 70 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं और इसी कारण ये बड़े व ताकतवर शिकारियों में से एक है। तो यहाँ पर हमने स्नो लेपर्ड और स्पॉटेड हाइना के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और इन सभी जानकारियों के आधार पर यही साबित होता है कि स्नो लेपर्ड के मुकाबले स्पॉटेड हाइना ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाइट फोर्स से लेकर साइज के मामले में भी स्पॉटेड हाइना स्नो लेपर्ड से कई गुना आगे हैं, इसलिए ओवरऑल विनर यहाँ पर स्पॉटेड हाइना ही होगा। वैसे आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।